इंजन छोटा है ना, 1 लीटर का इंजन है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेनो की तरफ से आने वाली सब 4 मीटर एसयूवी के बारे में, जो है रेनो की काइगर। अभी के टाइम में इंडिया में एसयूवी का तो ट्रेंड से चला हुआ, जहां देखो जिसे देखो एसयूवी लेनी है, और कंपनीज भी इस वजह से एसयूवीज की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो भी एसयूवीज ही जो है ज़्यादा लॉन्च कर रही है अपने इंडियन मार्केट में। खैर, अभी फिलहाल बात करते हैं इस एसयूवी के बारे में। अगर कंपटीशन की बात करें तो इसकी जो कंपटीशन होती है असली हो रही है टाटा की जो पंच आ रही है उससे। हालांकि पंच जो है इससे डायमेंशन वाइज छोटी है, हाँ हाइट में वो जो है इससे थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। अब देखिए यहाँ पर व्हील कैप इसमें नहीं लगी हुई है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा भद्दी गाड़ी लगती है। व्हील कैप लगी रहने पर अच्छी देखने में लगती है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स ऑफर की जाती है, एक्सटीरियर का क्या चीज़ है, इंटीरियर में क्या है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वेरिएंट्स की अगर बात कर ले तो इसमें टोटल आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं। आरएक्सी मिलती है सबसे जो लोअर वेरिएंट है, उसके बाद ये जो आपके सामने खड़ी है वेरिएंट ये है आरएक्सएल, उसके बाद आरएक्सटी ऑप्शनल और आरएक्सजेड जो सबसे टॉप वेरिएंट है। तो इसमें डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस वाली वेरिएंट में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसकी जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वाली जो वेरिएंट है मुझे पर्सनली वो लगती है आरएक्सटी, क्योंकि उसमें जो है आपको एलॉय व्हील्स ये सारी चीज़ मिल जाती है। इसमें तो आपको नॉर्मल वाले व्हील मिलते हैं स्टील डिम, जिसकी टायर सेक्शन आपको मिल जाती है 195/60 R16 सेक्शन की। हालाँकि इसमें जो DRL है वो आपको बेस वेरियंट से ही आने लगते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, इसे मैं आपको ऑन करके ही दिखाता हूँ। तो की भी देखिएगा तो की कुछ इस तरह की आपको मिलती है। और इसकी जो प्राइस है और RXT वाली जो प्राइस है उसमें ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं देखने को मिलेगी, बट फीचर्स अच्छे खासे उसमें आपको मिल जाते हैं। जैसे उसमें जो आपको की मिलती है वो मिलती है कीलेस एंट्री टाइप की, ये आपको नहीं मिलेगी। उसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको की होल मिलता है, इसमें 2 बटन है, लॉक की और अनलॉक की। लॉक या अनलॉक करने पर जो RVMs है वो इसके फोल्ड या अनफोल्ड नहीं होगा। हालांकि इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाती है। तो ये गाड़ी इसकी हो गई थी लॉक, तो इस जगह अब आप देखिएगा तो ये ऑन हो गई। अब एक चीज़ प्रॉब्लम ये है इसमें कि वो मुझे अभी मालूम चला, जैसे कि इंडिकेटर देना है तो ये इसकी जो इंजन स्टार्ट करनी पड़ती है तब जा करके इंडिकेटर ऑन होती है। देखिए अब जा करके यहाँ ये ऑन हुई है, ऐसे नॉर्मल ये जो है ऑन नहीं होती है। तो ये एक निगेटिव चीज़ मुझे लगी। अब एक टर्न इंडिकेटर आपको ऑन करने के लिए कहीं पर अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं, हालांकि पार्किंग वाली जो लाइट है वो काम करती या नहीं करती वो भी मैं चेक ही कर लेता हूँ। तो इस जगह गया, यहाँ पर हैजार्ड वाला जो बटन, हाँ ये चीज़ आपकी काम कर रही है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, वो सिर्फ आपको उस जगह है। तो नॉर्मल आपको हेलोजन वाले ही इंडिकेटर मिल जाते हैं। हेडलैम्प जो है ये आपको मिलती है यहाँ पर हेलोजन बेस्ट। आपको अगर LED चाहिए तो LED के लिए इससे भी और ऊपर वाले के ऊपर, यानी लगभग कह सकते हैं कि टॉप वेरिएंट में जाइएगा तो 3 पार्ट में LED वाले हेडलैम्प मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भले ही इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है 205 mm की, जो इस सेगमेंट में अभी फिलहाल तो कोई और गाड़ी नहीं दे रही। हाँ नेक्सॉन देती है, बट वो इससे ऊपर की चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस आप खुद देखिएगा तो इतना सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो गाड़ी को इस जगह आने में भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस जगह से आई है। तो ये सारी चीज़ मिल जाती है। बाकी फ्रंट में आपको ग्रिल मिल जाते हैं क्रोम कलर के इंसर्ट्स के साथ। यहाँ पर रेनो की बड़ी सी लोगो मिलती है, ये देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी सी इसमें आपको लोगो मिल जाती है। ओवरऑल फ्रंट से लुक जो है इसका आपको शार्प टाइप का मिलेगा, कटिंग वटिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर रियर की ओर चलते हैं तो रियर में भी आपको जो इसकी लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है मुझे। तो ये जो इसका पार्ट है ना, यहाँ से जो इसका ग्लास रियर वाला डाउन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से यहाँ पर जो इसकी बूट स्पेस है वो भी बढ़ जाती है, और जो लेंथ है वो भी पंच के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर इसमें स्पॉयलर मिल जाती है, ये भी देखने में काफ़ी स्पोर्टी आपको फील देगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप LED वाले यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की आपको वाइपर ये सारी चीज़ नहीं मिलती है। तो लुक के मामले में अब आप हमें बताएं कि ये आपको एसयूवी टाइप लगती है या नहीं। कंपनीज तो एसयूवी भाग क्लेम करती है कि एसयूवी, बट सिर्फ आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में एसयूवी लगेगी, और थोड़ी बहुत स्पेस से रिलेटेड। ऐसे इंजन के मामले में काफ़ी डाउन या फिर कम पावर वाली गाड़ी ये आपको लगती है, क्योंकि यहीं पर से जैसे ऊपर साइड आ रही थी रिवर्स में, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो आने में इससे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बाकी रियर में 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाती है, यहाँ पर काइगर लिखी हुई आती है, इसमें रियर कैमरा नहीं आते। रियर कैमरा के लिए वही जो मैं बताया वो वाली वेरिएंट आपको लेनी होगी। टेल लैंप बेस वेरिएंट से ही इसमें एलईडी वाले मिलते हैं, बाकी ये टोटल आपको नॉर्मल हेलोजन वाले ही हैं। बूट आपको ओपन करके दिखाता हूं, तो बूट में जो स्पेस मिलता है वो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, 400 या 405 लीटर इस तरीके का आपको इतना सब बूट स्पेस देख पा रहे होंगे। अब स्पेयर टायर की कहानी, तो स्पेयर टायर इसमें जो मिल रही है वो आपको 15 इंच की मिल रही है, गंदी भी है। यहाँ पर रेनो लिखी हुई आती है, ऊपर साइड में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ है एक्सटीरियर की ओर से। टॉप वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर शायद उसमें जो उसकी बैजिंग होती है वो सारी चीज़ देखने को मिलती है। चलते हैं अभी इंटीरियर की ओर। इंटीरियर में जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी जगह इस गाड़ी में जैसे डेंट लग चुकी है, यहाँ पर देखिएगा तो पचक गई है, स्क्रैच भी लग गए हैं अच्छे खासे। और साथ में इस जगह पर काफ़ी जगह आपको जो है मीन्स बिल्ड क्वालिटी, शायद ये पंच को तो टक्कर बिल्ड क्वालिटी में नहीं दे सकती है। हालांकि इसमें जो एयरबैग्स आपको मिलते हैं 4 एयरबैग टॉप वेरिएंट में मिल जाती है। यहाँ पर भी देखिएगा तो ये तो और बड़ी सी यहाँ पर डेंट लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ है। डोर की जो ये है, इसकी जो वेट है डोर की, वो भी आपको पंच जैसी हैवी फील नहीं होगी। डोर के ऊपर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडोज से रिलेटेड, जिसमें आपको टोटल साइड नॉर्मल वाली मिलती है, वन टच। तो इस प्राइस पॉइंट पर कोई आशा नहीं करे कि आपको मिलेगी। और एक चीज़, इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलर फीचर्स आजकल काफ़ी डिमांड लोग करते हैं सनरूफ, भाई वो भी इस प्राइस पॉइंट पर एक तो कंपनी ऑफर नहीं करती है और ना आप भी इस चीज़ की भी उम्मीद रखें। तो ये भी चीज़ आपको इस सेगमेंट में तो फिलहाल अभी कोई और नहीं दे रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल हो गए, ये आपके हैं ORVM, ये सारी चीज़ एडजस्ट करने से रिलेटेड। ये आपको मैनुअली ही फोल्ड करने पड़ते हैं, यहाँ पर भी इसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती। यहाँ पर स्पीकर हो गए, ये आपको पियानो ब्लैक कलर का यहाँ पर फिनिश भले ही देखने को मिल जाता है। और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी वो भी देखिएगा, तो पैनल गैप अच्छे खासे इसमें आपको मिल जाएंगे। सीट्स की बात कर ले तो फैब्रिक वाली सीट आती है, अभी फिलहाल इसके ऊपर लेदर टाइप की एक कवर लगी हुई है। इसमें ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं मिलता है, ये आपको नॉर्मली जो होता है वही चीज़ दिया गया है। बाकी अब यहाँ से देखते हैं, तो ये स्टेयरिंग व्हील है। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी किसी तरह के आपको कंट्रोल्स नहीं है, काफ़ी बेसिक से यहाँ पर आपको फीचर्स मिलती है। ये है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ कनेक्ट भले ही ये काम कर जाएगी। और इसके ऊपर वाली वेरिएंट जाते हैं एक ऊपर, तो उसमें आपको टच स्क्रीन वाले डिस्प्ले मिलते हैं। नीचे साइड में AC से रिलेटेड कंट्रोल है, नीचे साइड में AC से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सब मैनुअल वाले, ऑटोमेटिक AC यहाँ पर नहीं है। डोर लॉक अनलॉक करने की आपको इस जगह बटन दिए गए हैं। और यहाँ पर लाइट भी जलती है, जैसे इसे प्रेस किया तो ये लाइट जली, यहाँ पर तो सिर्फ इसी में आपको लाइट मिलती है, बाकी ये नॉर्मल बटन्स मिलते हैं। अब स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ टिल्ट ही मिलती है, टेलीस्कोपिक वे में ये एडजस्ट नहीं होती है। ना इसमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है, ना ऑटो हेडलैम्प मिलता है, नॉर्मल ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इस MID की, कि MID में क्या क्या चीज़ मिलता है। तो MID भी आपको जो इसकी ट्रिवर आती है उसी की तरह सेम मिलती है। यहाँ पर छोटी सी डिस्प्ले दिए गए हैं, जिसपे डिजिटल स्पीडोमीटर है। इस जगह आपको ये देखिए, टच होने पर जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो ब्लैक सा हो जा रहा है, तो यहाँ पर खुला हुआ है। ऊपर साइड में ग्लास कम से कम लगा रहना चाहिए था। बाकी ये हो गए टाइकोमीटर, ये हो गए आपके स्पीडोमीटर, यहाँ पर रेंज, ये सारी चीज़ शो करती है। इसे आपको हैंडल करने के लिए ये चीज़ शायद यहाँ ये बटन आपको मिलती है, जिससे आप देख सकते हैं कि, हालांकि अभी तो लाइट अच्छे से फोकस नहीं हो पा रही है। सर्विस इंटरवल है, टोटल कितनी गाड़ी चली हुई, ट्रिप 8, फ्यूल यूज्ड, ये सारी चीज़। डोर ओपन है, उसकी भी वार्निंग आ रही है। एवरेज क्या दे रही है, तो ये नॉर्मल सा आपको बेसिक साइज में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड के ऊपर ये कह सकते हैं कि डुअल टोन कलर है, यहाँ पर थोड़ा सिल्वर कलर का है, ऊपर साइड में ब्लैक कलर दिया गया है। इसके ऊपर टोटल जगह हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी, कहीं पर भी सॉफ्ट यूज नहीं किया गया। सिर्फ एक जगह ये जो है ये एक अच्छी चीज़ है जो पंच के मुकाबले इसमें ऐड की गई है, आर्म रेस्ट, जिसके ऊपर लेदर, एकदम लेदर रैप टाइप का चीज़ है। इसमें स्पेस जो है आपको रखने का अच्छा खासा मिल जाता है, देख पा रहे होंगे इतना बड़ा सा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। और इसकी जो अगर टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो ये जो शटर है ये स्लाइड होकर के बंद भी हो जाती है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको कंसोल मिल जाता है जिसके ऊपर गियर लीवर है, यहाँ पर आप मोबाइल रखने के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इस जगह भी, यानी मोबाइल रखने के लिए अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह की कटिंग टाइप की, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली फीचर जो है टॉप वाली में वो मिलती है। यहाँ पर इसमें टॉप वेरिएंट में राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको हो गए, स्पोर्ट हो गए, इन सब से रिलेटेड। IRVM नॉर्मल मैनुअल वाली मिलती है। ये जो क्वालिटी है ये थोड़ी पूरे टाइप की लग रही है, एकदम वाइट है, हालांकि ये तो हेलोजन वाली है बट ऊपर साइड से वाइट कलर की फिनिश दी गई है। ये हो गए आपके सनवाइज़र, इस साइड भी सनवाइज़र मिल जाती है, मिरर, ये सारी चीज़ नहीं मिलती है। अब चलते हैं रियर की ओर, रियर में बात करते हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिलती है। तो इस सीट को अपने हिसाब से पहले एडजस्ट कर लिया, हालांकि देखिए यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे भी थोड़ी यहाँ पर तकलीफ हो रही है। और एक इसकी जो निगेटिव चीज़ है, काफ़ी सारे ऑनर्स ने कंप्लेन किया है, वो इसकी इससे रिलेटेड है। जैसे ये कंसोल तो इतना चौड़ा से दे दिया गया, इस जगह भी उठा हुआ है, सीट बेल्ट लगाने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करती है, आपको हाथ जो है इस जगह ले जाने में नहीं बनता है। और ये देखिए आजकल जो है ट्रेंड सा चला हुआ है इस चीज़ का भी, जैसे कि लोग ड्राइवर हो या फिर जो गाड़ी के ऑनर हो इस तरह का सीट बेल्ट लगाए रहते हैं, अगर जैसे ट्रैफिक पुलिस आ गई तो फटाक से इसे ईजिली अंदर चले जाते हैं और फाइन से बच जाते हैं। अब रियर की बात करते हैं, तो रियर में भी आपको वैसा कोई चीज़ तो नहीं मिलेगा। 4 स्पीकर्स चारों डोर के ऊपर ही मिल जाती है, ट्विटर नहीं है, फॉल्स है आपकी। यहाँ पर डोर लीवर मिल जाती है लॉक या अनलॉक करने के लिए। बाकी स्पेस से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस आपको इसमें अच्छा खासा मिल जा रहा है। हेडरूम भी सही है, इस जगह जो इसमें फ्लोर हम है ये आपको मिलता है फ्लैट टाइप का। तो ये सारी चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे लग रही है अच्छी लग रही है। अब अगर बात करेंगे पंच से, इसकी कंपटीशन करते हैं अगर इंटीरियर के भी, तो उसकी क्वालिटी तो इससे कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है, बट फीचर्स जो है फीचर्स के मामले में ये थोड़ी आगे किस चीज़ में है, वो किसी और चीज़ में थोड़ी आगे है, तो इस तरह की है। बाकी यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के बंदे आराम से आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। हेडरेस्ट जो है ये आपको रियर वाले एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। और ये सीट जो है 60-40 नहीं, ये पूरा फोल्ड आप भले ही कर सकते हैं। काफ़ी जगह देखिएगा ना तो पियानो ब्लैक कलर यूज़ किए गए, जैसे इस जगह डोर के ऊपर हो गए, यहाँ पर गियर लीवर के साइड में चारों तरफ हो गए, या फिर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर हो गए। तो ये सारी बात हो गई इंटीरियर की। रियर साइड में रूफ लैंप ये सारी चीज़ नहीं मिलती है, फ्रंट वाले से ही आपको काम चलाने होंगे। अब मेन चीज़ है कि लोग इसे लेते क्यों हैं। पहला तो सबसे जो फर्स्ट रीज़न होता है वो होता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, क्योंकि इतना अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर आप गाँव में भी जा रहे हैं, गाँव के भी रोड पर किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी, ये देखिए। दूसरी चीज़ है स्पेस से रिलेटेड, स्पेस भी इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अगर थोड़ी बहुत जैसे कि 5 लोग जो है मीडियम साइज़ के, पीछे तो 3 बंदे आराम से आ जाएंगे, आगे भी आ ही जाएंगे। तो ओवरऑल यही सारा चीज़ वजह है इस गाड़ी को बाय करने का। अब बात करते हैं इसके इंजन की कि इंजन क्या है, क्योंकि असल तो जो खेल है इस सेगमेंट में इंजन का ही है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो हेडलाइट लेवलिंग स्विच है ये पुरानी टाइप की, ओल्ड टाइप की मिलती है, केबल वाले, जो मैनुअली इस तरीके से ये काम करती है। इंजन ओपन करने का, हाँ इस, अब चलिए इंजन ओपन करके आपको हम दिखा देते हैं। तो इंजन की जो बोनेट है ये भी आपको इसकी जो आ रही है पंच कंपटीटर, उससे ये लाइट फील होती है, उतनी ज़्यादा ये भारी है नहीं। इसमें 2 तरह का आपको इंजन ऑप्शन मिल जाती है इस वाली वेरिएंट में। 1 लीटर का एक आपको एनर्जी इंजन कहता है जिसे रेनो, और एक 1 लीटर का ही टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। दोनों जो है 3 सिलेंडर के साथ आती है। अब जैसे ये गाड़ी अगर आपको अंडर पावर फील हो रही है तो आप टर्बो वाली इंजन ले सकते हैं, जिसमें आपकी माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, बट गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा उस वाली वेरिएंट को। अब अगर इंजन की पावर की बात करें तो 1 लीटर की जो इसकी एनर्जी वाली आती है वो प्रोड्यूस कर देती है 72 PS का पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं इसकी जो 1 लीटर टर्बो वाली है वो प्रोड्यूस करती है 100 PS का पावर और 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क। CVT वाला और मैनुअल वाला ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है 160 न्यूटन मीटर के करीब। तो ये सारी चीज़ है इंजन स्पेक्स। अब प्राइस क्या पड़ती है, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है अराउंड बिहार में पड़ रही है 7,70,000 रुपये। RXL वाली जो ये जो वेरिएंट आपके सामने है, वहीं अगर RXT वाली जो वेरिएंट है जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाती है और वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पड़ जाती है 8,27,000 रुपये, यानी 60,000 का आप कह सकते हैं कि आपको डिफरेंस पड़ता है इस वाली वेरिएंट में और उस वाली वेरिएंट में। तो चलिए यही सारी चीज़ थी हमारी तरफ से इस रेनो काइगर से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब चलता हूँ, उसे थोड़ी ड्राइव करता हूँ, ड्राइव वाले वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ड्राइव सेफ, बी सेफ।